हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ओके, जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जिसने लोगों को इतने रिटर्न दिए कि लोगों को करोड़पति बना दिया है। अगर लंबे समय से जिसने होल्ड कर रखा होगा, और आज भी ऐसे ऐसे पुराने लोग हैं जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो उसे आज भी रखे हुए अपने पोर्टफोलियो में और हमेशा वो रखते भी हैं। ऐसे शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज उसके रिटर्न्स, एवरीथिंग आई विल शो यू, ओके। और कुछ डिटेल्स किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तो आइए उस वीडियो पे चलते हैं। बट उससे पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहले हम उस कंपनी से रिलेटेड बात कर लेते हैं जो है कंपनी के रिटर्न्स देख लेते हैं पहले। तो रिटर्न्स देखिए, हमेशा मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म का विज़न रखेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं देखेंगे। वन डे देख लीजिए, नेगेटिव, वन वीक, वन मंथ, थ्री मंथ्स में थोड़े बहुत है, टू ईयर में थोड़े बहुत है, थ्री ईयर्स में थोड़े बहुत रिटर्न्स है, फोर ईयर्स में देखिए 211, फाइव ईयर्स में 575, ओके। मतलब पर ईयर के हिसाब से देखिए तो 100% के, और 10 ईयर्स में इसके रिटर्न देख लीजिए 4,334.55% के रिटर्न। मतलब कितने रिटर्न है, बहुत बेहतरीन रिटर्न है 10 साल। मतलब जिसने इस कंपनी में होल्ड किया है, 10 साल पहले शेयर लिए है, वो अगर अच्छे खासे पैसे, अगर उसने थोड़े बहुत पैसे लगाएंगे तो अच्छे खासे पैसे बन गए होंगे, करोड़पति भी हो सकता था, वो हो गया होगा वो इस तरीके। और आज भी वो अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को रखते हैं। उस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, और आइए उसका थोड़ा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स किसके पास है, प्रमोटर्स कितने, 56.2, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर कर्ज में नहीं है, ओके। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 7.26% है, थोड़ा सा घटाया है उन्होंने। फॉरेन इन्वेस्टर ने 0.08% से बढ़ा के 221.24 कर लिया है। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा सा घटाया 0.66%, तो 1.11 हो गया है। अदर DIS ने इंक्रीज किया है तो 1.74 हो गया है, और नॉन इंस्टीट्यूशन ने किया 12.45, और हाईएस्ट, और इसका प्रमोटर भी हाईएस्ट होल्डिंग है बजाज फिनसर्व लिमिटेड की, जिसकी प्रमोटर की हिस्सेदारी है 52.816%। तो इसी से आपको एक तो अंदाज़ा लग गया होगा किस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, तो वो है बजाज ग्रुप से रिलेटेड। बजाज फिनसर्व पे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और आपको इससे रिलेटेड बताया था किस तरीके की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। 10 ईयर्स में कितने रिटर्न दिए थे बजाज फिनसर्व ने, केवल 10 ईयर्स में दिए थे उसने 1000% के रिटर्न, ओके। तो इससे, अगर इससे रिलेटेड कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है इसने भी कितने परसेंट के रिटर्न दिए, इसने इससे भी ज़्यादा परसेंट के रिटर्न दिए, ओके। तो आइए उस शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। पहले एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, देखिए आज बैंक का डेटा देखिए, क्या बैंक सारे के सारे बैंक्स गिरे हुए हैं एक्सेप्ट कोटक बैंक, और थोड़ी देर और रुकता तो कोटक बैंक भी नेगेटिव में ही दिखता। आज जिस तरीके से मार्केट गिरी थी, आपको पता ही है कि HSBC, JP Morgan और डच बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो मार्केट गिर गया। जैसे यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ, डो जोन्स फ्यूचर ओपन हुआ, एज वेल एज हमारा मार्केट, और इस वजह से गिरा क्योंकि यूरोप में अगेन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में लाइक ब्रिटेन, ओके, इंग्लैंड एंड बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी कंट्रीज़ में, रोम वगैरह में, तो कोविड दोबारा से आ गया है, जिस वजह से वहाँ पर लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन माइट भी वो दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मार्केट गिरी थी। तो ये देखिए बैंकिंग, तो सारे के सारे शेयर्स बैंकिंग के गिरे पड़े हैं। इक्विटी के यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइनेंस की, तो सारे के सारे फाइनेंस के शेयर्स, सारे के सारे शेयर्स गिरे हुए। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये निकालते कैसे डिटेल्स, तो आप NSE की साइट पर जाएंगे, NSE लिखेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ मार्केट डेटा है और यहाँ पर है इंडाइसिस, ओके। इंडाइसिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी इंडाइसिस चाहिए, ओके, वो आपको मिल जाएगी। आपको बैंकिंग का चाहिए, फाइनेंस का चाहिए, तो वो सारा का सारा आपके सामने पेश हो जाएगा। तो यहाँ से ही मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो आप जाके आप भी देख के निकाल सकते हैं। तो आइए शेयर की तरफ चलते हैं। तो उस शेयर का नाम है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का पार्ट है, बजाज फिनसर्व इसका पेरेंट कंपनी है, और कह सकते हैं कि ये इसका बच्चा है बजाज फिनसर्व का, बट रिटर्न के मामले में ये इसका बाप है,
ओके क्योंकि 10 ईयर्स में बजाज फिनसर्वर ने 1,000, तो इसने 10 ईयर्स में 4,000% के रिटर्न दिए। तो रिटर्न के मामले में ये बाप है, बट रियल में बाप बजाज फिनसर्वर है क्योंकि उसके ही शेयर्स में सबसे ज़्यादा है। तो देखिए आज के दिन गिर रहा है 152 पॉइंट्स गिरा है, मतलब लगभग 5%। 5 डेज का देखिए, ओके 5 डेज पहले लगभग 3,600 पे चल रहा था, वो भी यहाँ पर भी गिरा है। 6 मंथ में देखिए क्या रिकवरी करी है। 6 मंथ पहले जब ये कोविड आया था केवल 1,800 रुपये में शेयर मिल रहा था और 3,600 रुपये तक ये शेयर गया है, बट एयरटेल देख लेते हैं तो ये शेयर कभी 5,000 रुपये पे चलता था। ओके और 5,000 रुपये पे चलने के बाद जैसे 52 वीक हाई देख रहे हैं हम, 4,923 लगभग 5,000 रुपये पे चलता था, और 42 वीक इसमें लो 1,783 रुपये का बनाया है। तो ये शेयर यहाँ पर चलता था, लोगों ने खूब यहाँ पर उठाया 1,800 रुपये का और अपनी पोर्टफोलियो को भर भर के रखा हुआ है क्योंकि उन्हें पता है कि ये कितना दमदार शेयर है। 1 ईयर में देख लीजिए, 1 ईयर में नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि शेयर जिस हिसाब से गिरा था अभी कोविड में, इसके रिटर्न वहाँ मिल नहीं पाए। तो 5 ईयर्स में देखते हैं, बट लॉन्ग टर्म का हम विजन रखते हैं 5 से 10 ईयर्स का। तो देखिए 510 रुपये पे शेयर 2015 में, एक 5 साल पहले चलता था 510 रुपये में, और अभी लगभग 3,321 पे चल रहा है जो कि 5,000 रुपये तक गया था। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो आप दंग रह जाएंगे कि 2002 में 5 रुपये पे ये शेयर हुआ करता था। और बजाज फाइनेंस एक ऐसा शेयर है, वो बजाज फिनसर्व एक ऐसा शेयर है जिसने अपने शेयर होल्डर्स को करोड़पति बनाया है। बस इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है और बहुत बेहतरीन शेयर है, आज भी लोग इसे छोड़ नहीं रहे हैं। बसंत महेश्वरी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया के, ओके उन्होंने आज ही राय दी है कि इस शेयर को खरीदिए क्योंकि ये शेयर बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है। 5,000 पे था, 5,000 से जब उन्होंने भी खरीदा था, 5,000 उनका तो बहुत पुराने टाइम से है, बट 5,000 से जब उनको 1,800 पे आ गया था तो उन्होंने भी धक्का लगा था, बट फिर दोबारा 3,600 पे आ गया। अब भी इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस शेयर में बहुत सारा, एक तो बहुत सारा पोटेंशियल है एज वेल एज अब आज की डेट में, और ये काफ़ी दिनों से गिर भी रहा है तो इस शेयर पे नज़र बना के रखिए। और गिरते गिरते बाय ऑन डिप्स कर करके, ओके एक शेयर दो शेयर जितना भी आपके एलिजिबिलिटी हो उस हिसाब से आप इस शेयर को लेते रहिए, पोर्टफोलियो में रखिए। 5 से 10 साल में रखेंगे तो ये शेयर बहुत मजबूत फंडामेंटली है, तो आपको बहुत मल्टी बैगर रिटर्न ये डेफिनेटली देगा। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो लगभग लगभग कितनी 14.06% की यहाँ पर डिलीवरीज भी उठाई गई है। ओके रिटर्न्स मैंने आपको दिखा दिए है, इसके अलावा इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो रिजर्व्स देखते हैं, सबसे पहले रिजर्व्स देखिए किस तरीके से कंटिन्यूस रिजर्व्स बढ़े हैं। 7,271 करोड़ के रिजर्व, फिर 9,490 करोड़ के, फिर 16,403, फिर 19,448 करोड़ रुपीज़, और लगभग अभी 31,693.22 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स इसके पास है। तो रिजर्व्स देखिए कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व्स किस तरीके के बेहतरीन रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो लास्ट ईयर इसके पास लगभग 86,31,351.72 करोड़ रुपीज़ के इसके पास बोरोइंग थी, मतलब इसका कर्ज था, जो कि इस साल एक भी कोई भी कर्ज नहीं है, सारा का सारा इसने लॉन्ग टर्म में उतार दिया। बट शॉर्ट टर्म में कर्ज है, शॉर्ट टर्म में कर्ज इसलिए है क्योंकि जैसे कि इसका नाम है बजाज फाइनेंस, तो फाइनेंस का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है वो आपको पैसे देती है, लोन प्रोवाइड करती है छोटे बड़े, ओके और लोन से ही वो देती है, तो इसलिए इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग और बोरोइंग होगी ही होगी। तो इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ओके लास्ट ईयर तक कुछ नहीं थी बट अभी इंक्रीज होके इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई है 1,04,205.94। तो वो सारे फाइनेंस और बैंक के जितने भी शेयर्स होंगे सब में आपको बोरिंग दिखेगी, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके और बट इसका एसेट दिखाना, तो इसका कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं। तो कैश एंड बैंक बैलेंस देखिए किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, पहले किस अभी लगभग 679.36, 680 करोड़ रुपए के इसके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है जो कि कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। ओके एंड एसेट की बात करें, टोटल एसेट तो लगभग 1,38,003.57 करोड़ रुपीस के इसके पास एसेट है। ओके इनके एसेट की वैल्यू इतनी है, तो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एक बार जब ये मोरेटोरियम और इससे रिलेटेड सारी की सारी परेशानियां ख़त्म होगी, ओके और जैसे ही अपनी इकोनॉमी भी कह रहे हैं कि 1-2 साल में ट्रैक पे आ जाएगी, जैसे ही आएगी ओके क्योंकि लॉन्ग टर्म है, आप ये शेयर जितना गिर रहा है उतना, जितना गिर रहा है ना, गिरने का मतलब कभी भी अच्छे शेयर में गिरने का मतलब होता है कि उसे परचेज करना, और परचेज किस लिए करना, क्योंकि जब वो नीचे आएगा तभी तो आप परचेज करेंगे, तभी तो जब वो ऊपर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। बट हम रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स आपको शेयर पता है कहाँ लेते हैं,
वो लेते हैं यहाँ पर 5,000 रुपये लेते हैं, ओके वो इस यहाँ पर नहीं लेते, जब ये गिर रहा होता है ना तब नहीं लेते, जब ये गिर अभी ये दोबारा गिर रहा है ना तो वो यहाँ पर नहीं लेंगे, वो कहेंगे अभी और गिरेगा और गिरेगा वो, बट अचानक ये इस तरीके से भागेगा जैसे अभी 6 महीने पहले ये भागा था, देखा ये इस तरीके से भागा था और फिर ये पकड़ में भी नहीं आया। तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इस शेयर पे नज़र बना के रखिए, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो लेना शुरू करिए। इसके अलावा डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड देखिए कितना बेहतरीन डिविडेंड, 500% का डिविडेंड, 300%, 200, 180, 70, तो कंटिन्यूसली एक डिविडेंड इनका बढ़ता जा रहा है। बोनस की बात कर लेते हैं तो 2016 में इन्होंने 1:1 का बोनस भी दिया है। स्प्लिट की बात करें तो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 2 रुपये का फेस वैल्यू भी बनाया है 2016 में ही। राइट्स की बात करें तो इनका राइट्स 2 बार इन्होंने राइट्स बैक लाया है जो कि 2006 और 2018 में है, ओके तो काफ़ी राइट, देखिए राइट्स भी लाया है, डिविडेंड भी देता है, बोनस भी देता है, स्प्लिट भी देता है, सब चीज़ तो दे रहा है, तो आपको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है? काफ़ी बेहतरीन शेयर है, जाके खरीदिए इसे, क्योंकि यही आप ये शेयर आप खरीदेंगे अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ही आपको ये बहुत लंबे टाइम तक आपको प्रॉफिट देगा लंबे टाइम में, और आपको रखे रहेंगे तो करोड़पति बनाएगा। इसके पीयर्स जैसे देखिए मुथूट फाइनेंस, वो भी गिर रहा है, काफ़ी बेहतरीन है, ओके और इनके इनसे रिलेटेड में बस मुथूट फाइनेंस को ही मैं कहूँगा, प्रेफर करूँगा, या फिर बजाज फाइनेंस को, तो आप इन दोनों शेयर्स की तरफ भी नज़र बना के रखिए, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो दैसे दोस्तों मेरा बस आपको बताने का मकसद यही था कि बजाज फिनसर्व से रिलेटेड ये जो B2 शेयर है ना, B2 मतलब बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, ये आपके पोर्टफोलियो में होने ज़रूरी है। क्यों होने ज़रूरी है? क्योंकि ये शेयर है जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करेंगे फ्यूचर में, और जितना नीचे जाएंगे जितना जीते जाएंगे आपको उतने ही तेज़ी से भागेंगे भी, तो आपको मौका नहीं देंगे जब एक बार भागना शुरू करेंगे। तो इसलिए जब गिर रहा है बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स करिए। बाय ऑन डिप्स क्या होता है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप देखिए उसे, उसके हिसाब से आप इसे खरीदते जाइए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है, गिरता जाए उठाते जाए बस। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एज वेल ऑफ फ्रेंड फैमिली के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स मैं आपको बताता रहूँ, क्योंकि माहौल काफ़ी गर्माया हुआ है शेयर मार्केट का, काफ़ी बिगड़ते हुए हालात है, तो अच्छे शेयर आपको नीचे मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से उठाते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।